प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में लोगों को किया संबोधित। विकास को जन आंदोलन बनाने का दिया नारा। कहा, भारत दुनिया का सबसे नौजवान मुल्क, दुनिया के साथ मिलकर आगे बढ़ने को तैयार। प्रधानमंत्री ने मेडिसन स्क्वायर पर उमड़े भारतीय मूल के जन समुदाय को दिलाया भरोसा। कहा, उनके सपनों का भारत बनाने के लिए हैं प्रतिबद्ध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासी भारतीयों के लिए कई कदमों की घोषणा की। पीआईओ कार्ड वालों को आजीवन वीजा देने का ऐलान। स्वच्छ गंगा मिशन में भाग लेने का दिया न्योता। प्रधानमंत्री के स्वागत में मेडिसन स्क्वायर पर आयोजित रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने बांधा समा। संगीत और नृत्य की प्रस्तुतियों में भारतीय संस्कृति की दिखी स्पष्ट झलक। टाइम्स स्क्वायर में भी बड़े पर्दों के जरिए लोगों ने देखा लाइव प्रसारण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में की इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात। विपक्षी मुद्दों पर की चर्चा। प्रधानमंत्री ने की भारतीय मूल की साउथ कैरोलिना की गवर्नर निकी हेली और अमरीकी संसद में एकमात्र हिंदू प्रतिनिधि तुलसी गेबार्ड सहित कई अमरीकी सांसदों से मुलाकात। प्रधानमंत्री आज करेंगे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और उनकी पत्नी और पूर्व विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन से मुलाकात। साथ ही अमेरिका के प्रमुख उद्योगपतियों से भी भारत में निवेश की संभावनाओं को लेकर होगी चर्चा।